बाबू लोग, आप लोग कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो सब बढ़िया। आज का अभिक्रिया है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है ना, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है बाबू। 2018 में आया हुआ अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। आखिर क्यों कंप्लीट करना? क्योंकि ये 2022 के लिए भी वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। लिखेंगे, जब किसी एमाइड को, ठीक है, किसी भी एमाइड को ब्रोमीन तथा एल्कोहलीय सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एल्कोहलीय सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही ना हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में आप लिखोगे किसी भी एमाइड को किनके साथ बाबू, ब्रोमीन और एल्कोहलीय सोडियम या एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करोगे, क्रिया करोगे। तो जब क्रिया होगी तो आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन मिलेगा। तो इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बोलते हो। ठीक है, तो चलिए इनका समीकरण लिखते हैं किसी एमाइड को। तो चलिए एमाइड का सिंबल या फॉर्मूला आप लोग जानते हो, R सिंगल बॉन्ड CONH2, ये आपका क्या है, एमाइड है। इनका रिएक्शन जो है किनके किनके साथ, ब्रोमीन और एल्कोहलीय सोडियम या पोटेशियम। तो आप एल्कोहलीय सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को लीजिए। तो चलिए हम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, KOH, ये आपका एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। एक बात हमेशा याद रखना कि इस अभिक्रिया में जो है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एल्कोहलीय है उनका क्या करोगे, चार अणु लोगे। तो चलिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना अणु लिया, चार अणु लिया। ठीक है, जब इन तीनों का आप रिएक्शन करोगे, अभिक्रिया करोगे, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा क्या, यहाँ पे Br2 है तो 2 Br लेकर के आपका क्या बन जाएगा, 2 KBr यहां से निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे है CO और यहां से 2K और 2 ऑक्सीजन, 2K और 2 ऑक्सीजन इस CO के साथ आपको क्या मिल जाएगा, K2CO3। ठीक है, अब देखिए यहां पे 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, तो ये ओ एच इस एच के साथ H2O, ये ओ एच इस एच के साथ H2O, तो H2O कैट हो दो ठो, तो यहां से जल का 2 मॉलिक्यूल भी प्राप्त हो जाएगा। अब बचा क्या, ये R ये NH2 समूह आपस में जुड़ करके आपको क्या मिल जाएगा, प्राथमिक एमीन। यही आपका क्या है, प्राथमिक एमीन है। ठीक है, जो आपका मुख्य उत्पाद है। तो देखिए आपने इस एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा, तो देखिए आपको क्या मिला, प्राथमिक एमीन मिला। सह उत्पाद के रूप में कौन कौन बाहर हुआ, KBr, K2CO3 और H2O। तो KBr का 2 अणु बाहर हुआ और K2CO3 और जल का 2 अणु क्या हो गया, बाहर हो गया। और आपको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, प्राथमिक एमीन मिल गया। तो देखिए एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ एल्कोहलीय QH के साथ करा, तो हमें प्राथमिक एमीन मिला। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बोलोगे। तो इनका परिभाषा तो आसानी से लिख सकते हो, एमाइड को ब्रोमीन के साथ एल्कोहलीय QH के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है।